मौसम समाचार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश भर के मौसम का हाल जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको बता दें, पटना सहित बिहार के 27 जिलों में गरज के साथ बारिश का अलर्ट। 15 मई तक के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी। बिहार सहित पूरे प्रदेश में दक्षिणी पूर्व हवा का प्रभाव बना हुआ है। नमीयुक्त पूर्व हवा के प्रभाव से लोगों को प्रचंड गर्मी से राहत मिली है, लेकिन उमस की स्थिति बनी हुई है। इस कारण तापमान चढ़ने से बादलों का निर्माण तेजी से हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार इनके प्रभाव से प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक की माने तो पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बने चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बिहार तक बना हुआ है। वहीं एक ट्रफ रेखा भी बिहार से गुजरते हुए ओडिशा की ओर मुड़ रही है। इन सभी मौसमी प्रभावों को देखते हुए पटना समेत 27 जिलों में गरज के साथ बारिश के आसार है। इस कारण येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिण बिहार में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई। वहीं कुछ स्थानों पर हवा की गति 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा रही। इन जिलों में बारिश के आसार पटना सहित प्रदेश के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, गया, नालंदा, नवादा, जमुई और मुंगेर के साथ एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश के आसार है। इन जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के आसपास मध्यम पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा सकता है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में 14 और 15 मई को छोड़कर 17 मई को गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान असानी का असर दिखाई दे रहा है और बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। स्काईमेट वेदर के मुताबिक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में शुक्रवार को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है और अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना बनी हुई है। पूर्वोत्तर भारत, केरल के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक, सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्य हैं जहां पर चक्रवाती तूफान आसनी की वजह से तेज बारिश होगी। उत्तर प्रदेश में बूंदाबांदी से गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। राज्य के पूर्वी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में आया आसानी चक्रवाती तूफान धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। बिहार, झारखंड, आंतरिक ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, कोंकण और गोवा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि 18 मई तक मध्य प्रदेश का मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा। इसके बाद मौसम का मिजाज बदलता नजर आएगा और प्री मॉनसून बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के पूर्वानुमान के मुताबिक 26 मई तक झारखंड के विभिन्न इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। IMD की ओर से देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम हवाओं का एक बड़ा असर निचले शुभ मंडल में देखा जा रहा है। इस कारण से इस हफ्ते पूर्वोत्तर के कई राज्यों में गरज और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, पुदुचेरी के अलग अलग हिस्सों में हल्की से भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही मई महीने के 15 तारीख तक मेघालय और असम के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना भारतीय मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आज से 15 मई के बीच असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर के अलग अलग हिस्सों में आज से 14 मई के बीच मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम आपको हर दिन ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहें UMB न्यूज़।